तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तमिलनाडु हाई कोर्ट से आरएसएस को लगा बड़ा झटका, आरएसएस पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने लगाया बैन तो तिलमिला उठे संगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मदरसों को लेकर नया आदेश किया जारी, कहा एक महीने के भीतर मदरसे करवा लें पंजीकरण, नहीं तो सब पर चलवा देंगे बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सहित देश में बेईमानी करके बीजेपी ने जीता चुनाव, राकेश टिकैत ने लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दुबई से मिला समर्थन, युवाओं ने समर्थन में निकाली साइकिल रैली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का लिया स्वतः संज्ञान, बीजेपी सरकार को नोटिस जारी करके एक हफ्ते में मांगा है जवाब, गिर सकती है गुजरात में बीजेपी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव की उम्मीदों को अखिलेश ने दिया झटका, सपा ने मैनपुरी से तय किया उम्मीदवार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु से आरएसएस को लगा बड़ा झटका, आरएसएस पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने लगाया बैन, तिलमिला उठे संगी। जय दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस को तमिलनाडु से आज बड़ा झटका लगा है, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरएसएस पर तमिलनाडु में बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में बैन लगने के बाद आरएसएस तिलमिला उठा है और आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों आरएसएस ने 44 रैलियां निकालने का तमिलनाडु में ऐलान किया था, जिसकी मद्रास हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस की रैलियां निकालने पर कुछ शर्तें लगाई थी, इन शर्तें आरएसएस को मंजूर नहीं थी। आरएसएस ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी शर्त का पालन नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आरएसएस अपनी रैली निकालने के दौरान अगर जो शर्तें हमने लगाई हैं उसका पालन नहीं करता है तो तमिलनाडु पुलिस किसी भी कीमत पर आरएसएस को रैली नहीं निकालने दे। वहीं आपको बता दें कि जब हाई कोर्ट और पुलिस से दबाव बनने के बाद आरएसएस ने रैली निकालने से साफ इनकार कर दिया और रैली निकालने से साफ इनकार करने के बाद आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट की उच्च बेंच के पास जाने का ऐलान किया और जो कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया था उस फैसले के खिलाफ चुनौती दी और कहा कि जब तक हमें हाई कोर्ट पूर्ण रूप से रैलियां निकालने की फुल आजादी नहीं देता है तब तक आरएसएस तमिलनाडु में रैलियां नहीं निकालेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संघियों को बड़ा झटका तमिलनाडु से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मदरसों को बंद करने का किया ऐलान, कहा एक महीने के भीतर कराने मदरसे पंजीकरण, नहीं तो कर देंगे इन मदरसों को बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में चलने वाले मदरसों को लेकर बीजेपी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। बीजेपी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक माह के भीतर प्रदेश में चलने वाले सभी मदरसे अपना पंजीकरण करवा लें, अन्यथा बंदी का सामना करने को तैयार रहें। मदरसों का पंजीकरण शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही होगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने साफ कहा है कि उत्तराखंड में जितने भी मदरसे चल रहे हैं वो सभी मदरसे अपना पंजीकरण सरकार के सामने कराएं, सरकार के पास करवाएं, और अगर जो भी मदरसा सरकार के पास अपना पंजीकरण नहीं करवाएगा उस मदरसे को बंद कर दिया जाएगा और उस पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यह बड़ा आदेश आज जारी किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने बेईमानी कही, राकेश टिकैत ने लगाए गंभीर आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली है। उन्होंने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को मात दी। नतीजे आने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बेईमानी से उपचुनाव जीतने का बीजेपी पर आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कहा कि अगला निशाना प्रेस और मीडिया की आजादी है, जब तक मीडिया अपनी जान बचा सकती है बचा ले। उन्होंने कहा कि जब भी चुनावों में बेईमानी की जाएगी तो नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट कचहरी उनका है, अधिकारी उनके हैं, इसलिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है और जो चुनाव बीजेपी ने उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जीता है वो बेईमानी करके चुनाव जीता है, वरना समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीतती। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिला दुबई से समर्थन, युवाओं ने निकाली साइकिल रैली। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। फिलहाल ये यात्रा तेलंगाना के कामरेड्डी जिले में थी, जहां से ये आज रात को ही नांदेड़ पहुंचेगी और लगभग 14 दिनों तक महाराष्ट्र में भ्रमण करेगी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी की इस यात्रा को जो है अब दुबई से समर्थन मिला है। दरअसल आपको बता दें कि दुबई
में सैकड़ों लोगों ने साइकिल रैली निकालते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया और कहा कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं वो ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसको विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का लिया स्वतः संज्ञान, बीजेपी सरकार को एक हफ्ते में नोटिस जारी करके मांगी है रिपोर्ट। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानव अधिकार आयोग सहित राज्य की बीजेपी सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी हाईकोर्ट ने किया है। कोर्ट ने राज्य से एक सप्ताह के भीतर पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है, अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में जो मोरबी ब्रिज का हादसा हुआ था जिसमें 131 लोगों की लगभग मौत हुई थी, अब उस मामले को लेकर बुरी तरह से गुजरात की बीजेपी सरकार फंस गई है और गुजरात की बीजेपी सरकार से गुजरात हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि आखिरकार ये मामला किस तरह से हुई और ये घटना किस तरह से हुई, हमें एक हफ्ते के अंदर गुजरात की बीजेपी सरकार बताए। तो ये रिपोर्ट मांगी है गुजरात हाईकोर्ट ने, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। साल 2017 के यूपी चुनाव में अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की सुवार विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्यता निर्वाचित हुए थे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने अब्दुल्ला आजम खान के मामले में सुनवाई की और फैसला सुना दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान के बेटे की विदाई की कभी रद्द हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहांगीर हिंसा केस में जमानत पर बाहर आए अंसार और जाकर फिर से गिरफ्तार, इलाके में माहौल खराब करने का लगा था आरोप। जदोस आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी अंसार और जाकर जमानत पर बाहर हैं। दोनों पर इलाकों का माहौल खराब करने का आरोप लगा है। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने अंसार, जाकर के साथ ही दो अन्य को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान अरबाज और जुनेल के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जमानत पर बाहर आते ही अंसार और जाकर इलाके में जुलूस निकाल कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी सूचना पर दो अन्य साथी के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच को भी इसकी गिरफ्तारी की साझा की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमान होने की वजह से दिल्ली पुलिस लगातार मुसलमानों को टारगेट दिल्ली में कर रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल सिंह यादव की उम्मीदों को लगा झटका, सपा ने मैनपुरी से तय किया उम्मीदवार। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप सिंह यादव का नाम उम्मीदवार के तौर पर लगभग तय कर लिया गया है। उनके नाम का ऐलान पार्टी मंगलवार को कर सकती है। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव के शिवपाल सिंह यादव भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन सूत्रों की माने तो उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। वहीं अब सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवारों के तौर पर तेज प्रताप सिंह यादव को उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि अभी इसका पार्टी द्वारा ऐलान बाकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो मंगलवार को पार्टी नाम का ऐलान कर भी देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को किया गिरफ्तार, 7 दिन की रिमांड पर भेजा। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को ईडी की टीम ने जिला अदालत में पेश किया है। जिला शाखीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने संवाददाताओं से कहा कि ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी को न्यायाधीश संतोष राय की विशेष अदालत में 14 दिन की रिमांड पर भेजने के लिए पेश किया था। उन्होंने बताया है कि न्यायालय में ईडी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया गया था कि आय से अधिक धन एकत्रित करने के मामले में और साक्ष्य एकत्रित करने और अन्य लोगों के बयान लेने के लिए 14 की रिमांड बढ़ाई जाए, लेकिन अदालत ने अब्बास को 7 दिन की रिमांड ईडी को सौंपने की मंजूरी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अब्बास अंसारी को भी जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। हमारे नेता नहीं चाहते उनसे गठबंधन करना, क्योंकि उनका इतिहास इस तरह का है कि उन्होंने हमेशा
कम्युनल फोर्सेस को सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फायदा पहुँचा रहा है। शिवपाल सिंह यादव तो उनसे बैठ भी कर रहे हैं, नजरों में गठबंधन की बातें भी हो रही है। अब वो करें तो वो उनकी मर्जी है, उसका हम क्या कर सकते हैं।